13.7.1 संक्रामक रोग एवं कारक। इन्फेक्शन, कम्युनिकेबल डिजीज एंड इट्स एजेंट्स। अवधिकाल के अलावा रोगों को उनके फैलने के तरीके के आधार पर भी समूहीकृत किया जा सकता है। इसके अंतर्गत संक्रामक व असंक्रामक रोग आते हैं। बहुधा आपको यह हिदायत दी जाती है कि रोगी व्यक्तियों से दूर रहें, जिससे आप भी उस बीमारी से ग्रसित न हो जाएं। बच्चों को दस्त लगने वाले उदाहरण में हमने पढ़ा कि दस्त लगने का तात्कालिक कारण विषाणु हो सकता है। विषाणु की तरह ही अन्य जीव जैसे जीवाणु, कवक, कृमि, प्रोटोजोआ आदि भी रोग फैलाने वाले तात्कालिक कारण हैं। इन कारकों से ग्रसित रोगी के संपर्क में आने पर स्वस्थ व्यक्ति भी रोग ग्रसित हो जाते हैं, अतः इन्हें संक्रामक कारक कहा जाता है। इससे उत्पन्न होने वाले रोगों को संक्रामक रोग कहते हैं। जुकाम, टीबी, हैजा, प्लेग, त्वचा संबंधी रोग आदि संक्रामक रोगों के उदाहरण हैं। डॉक्टर, नर्स, स्वास्थ्य कर्मचारी अन्य व्यक्तियों की अपेक्षा रोगियों के संपर्क में अधिक रहते हैं। पता करिए कि वे अपने आप को संक्रमित होने से कैसे बचाते होंगे। लेशमानिया। चित्र में दर्शाया गया यह काला जार व्याधिकारक प्रोटोजोआ है। यह जीव अंडाकार होता है तथा प्रत्येक में एक चाबुक नुमा संरचना होती है। विभाजित होते जीव को तीर द्वारा दर्शाया गया है। ट्रिप्नोसोमा। चित्र में दर्शाया गया यह निद्रालु व्याधिकारक प्रोटोजोआ है। इसे तश्तरी नुमा लाल रक्त कणिका के साथ प्रदर्शित किया गया है, जिससे आपको उसके आकार का पता चल सके। स्टेफाइलोकोकाई। चित्र में दर्शाया गया यह बैक्टीरिया जो मुहासे का कारक है, 5 माइक्रोमीटर माप की रेखा को दर्शाते हुए। गोल कृमि। यह छोटी आंत में पाया जाता है। 4 सेंटीमीटर के स्केल की माप एक वयस्क गोल कृमि के आकार के अनुमान के लिए है।